हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इज योर सेकंड चैप्टर इन योर अकाउंटिंग। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी थ्योरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी एसेट्स होती है वो इक्वल किसके होती है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ओके, समझ रहे हो? अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है? अकाउंटिंग क्वेश्चन ये कहता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी तुम्हारी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, वो इक्वल होगी आपके लायबिलिटीज के प्लस कैपिटल के। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, या एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब हम एक क्वेश्चन समझेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको यहाँ आपकी एसेट्स दे रखी है। ठीक है, देखो ये आपकी सब एसेट्स हैं, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या कहता है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे हम। तो इक्वेशन निकालेंगे तो हमारी एसेट्स ये सब है। तो एसेट्स की हमारी वैल्यू कितनी है? 2,20,000। और लाइबिलिटीज की कितनी है? टोटल लाइबिलिटी 2,20,000 है। बट इसमें क्या है, लाइबिलिटीज के दो पार्ट है, एक कैपिटल में एक लाइबिलिटीज में। ठीक है, तो कैपिटल हमारी 1 लाख है, लायबिलिटीज हमारा क्रेडिटर्स और लोन मिला के 1,20,000 है। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो एसेट्स जो है, एसेट्स हमारे कितनी है? देखो 2,20,000 है, तो एसेट्स की जगह हम क्या लिख देंगे? 2,20,000। ठीक है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आप टोटल करोगे 50,000 प्लस 17,000, तो आपका कितना आएगा? 1,20,000 आएगा आपका। ओके, प्लस आपकी कैपिटल कितनी है? 1 लाख। ओके, तो यहां हमने पढ़ा था अभी कि एसेट्स इक्वल होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो यहां आपके एसेट्स है 2,20,000, तो आपका ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो 1,20,000 प्लस 1 लाख कितना आएगा आपका? 2,20,000 आएगा। तो ये हमारा इक्वल हो गया। तो ये होती है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में। ओके, जैसे आप मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वो क्वेश्चन कहलाता था, और हम यहाँ अकाउंट में जब अकाउंटिंग क्वेश्चन करते हैं तो हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी जाती हैं, जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन में आपको ट्रांजेक्शन्स दी जाती हैं। तो हमने यहाँ 5 ट्रांजेक्शन्स लिए आपको समझाने के लिए कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो ये ट्रांजेक्शन की वजह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो ये फॉर्मेट है आपका, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स में हमने कुछ अपने ट्रांजेक्शन हेड ले लिए हैं, जैसे कि कैश हो गया, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस में होंगे मेंशन, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा एसेट्स में कैश, फर्नीचर, बैंक, डेटर, स्टॉक। तो ये हमने यहाँ क्लासिफाई कर दिए। और लाइबिलिटीज में हमने क्रेडिटर्स लिया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में क्रेडिटर्स था। अगर लोन होता बाय द वे तो हम लोन भी यहाँ मेंशन करते, कैपिटल का एज इट इज कैपिटल लिखा है। ओके, तो फर्स्ट हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। बिजनेस स्टार्ट विद कैश रुपीज 50,000 रुपीज। जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस कैश को हम क्या कहते हैं? उस कैश को हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ हमारे फर्स्ट ट्रांजेक्शन यही है, बिजनेस स्टार्टअप विद कैश 50,000 रुपीज। तो ये हम कहाँ मेंशन करेंगे? कैश हम ला रहे हैं ना, तो कैश में लिख देंगे 50,000 रुपीज। इसमें कोई स्टॉक का मैटर नहीं है तो स्टॉक 0, फर्नीचर का मैटर नहीं है फर्नीचर 0, डेटर्स नहीं है तो 0 इक्वल, क्रेडिटर्स इसमें कुछ है नहीं तो ये भी 0 आया। बट कैश, कैश हम कहां से लगाते हैं? कैपिटल में से लगाते हैं। तो हमारी कैपिटल भी कितनी आएगी? 50,000। जितना आप बिजनेस स्टार्ट करने में कैश लाओगे उतना आप कैपिटल में से लोगे, तो कैपिटल भी आपका उतना ही होगा। तो कैश आप 50,000 लाए थे, कैपिटल भी आपकी 50,000 हो गई। अब सेकेंड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार में हमने गुड्स खरीदा है। ठीक है, गुड्स खरीदा है कितने रुपए के? 3,000 रुपीज के। तो इसमें उधार में खरीदा है तो हमारा कुछ भी ना कैश आया नहीं गया, तो कैश हो जाएगा हमारा 0। स्टॉक जो ये गुड्स है ये हमारे स्टॉक में इंक्लूड होते हैं, तो
तो स्टॉक कितना इंक्लूड बढ़ जाएगा हमारा, 3000 का बढ़ जाएगा। तो स्टॉक हमारे कितने लेंगे, 3000 के लेंगे। फर्नीचर कुछ नहीं है, जीरो। डेटर्स कुछ नहीं है, तो जीरो। अब ये हमने उधार में खरीदा है तो हमें पे करना है ना, तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमें उधार में, ठीक है, यानी कि क्रेडिट में हमें मटेरियल देते हैं, गुड्स देते हैं, ठीक है, या पैसा देते हैं। तो यहाँ इसने गुड्स दिया हमें उधार पे 3000 का, तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज हो गए तो 3000 के हमारे इंक्रीज हो गए, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो जीरो आ जाएगा। ओके, अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, पेड रेंट 5000 एंड सैलरी 15000। आपने रेंट और सैलरी पेड करी है, ठीक है, तो पेड करी है तो आपका कैश जाएगा, इन दोनों का कोई हेड नहीं है अलग से, तो इन दोनों को हम कैश में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारा कैश जा रहा है ना, तो रेंट और सैलरी हमने पेड करी है, तो हमारा कैश है। अब कैश हमारा जा रहा है, कितना जा रहा है, 20000 जा रहा है। ओके, यहां हमारा जा रहा है ना, तो यहां माइनस में जो ट्रांजेक्शन होती है हम अकाउंटिंग में उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं जो भी हमारे माइनस की ट्रांजेक्शंस होती है, क्योंकि ये तो हम पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, रेंट भी पेड कर रहे हैं और सैलरी भी पेड कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ के 20000 आएगा। स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, स्टॉक ऐसी जीरो। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो। डेटर्स पे नहीं है, जीरो। इक्वल्स टू हमारा ये 20000 गया है, तो ये कहां से आएगा, हमारे कैपिटल में से जाएगा ना, तो कैपिटल में से तो आप कैश निकाल के दे रहे हो उन्हें, तो आपका कैपिटल भी माइनस हो जाएगा आपका 20000 रुपीज। तो हम फोर्थ देखते हैं ना, यहां आपको समझ गए होंगे कि हमने कैश पेड करा है सैलरी और रेंट पे, तो कहां से लेकर कैपिटल से लेकर, तो कैपिटल भी कम हो गई हमारी और कैश भी कम हो गया। अब फोर्थ है पेड टू क्रेडिटर्स 1000 रुपीज। हमने जो क्रेडिटर्स से उधार लिया था 3000 रुपीज का, हमने उसे पेड करा, कितना पेड करा, 1000 रुपीज पेड करा, तो हमारा कैश माइनस हो जाएगा ना, कैश हमारा जा रहा है, यानी कि कैश गोस आउट, बाहर जा रहा है ना कैश, हम क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, तो हमारा कैश माइनस में आएगा, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं, हमारे पास से जा रहा है, तो 1000 रुपीज हमने माइनस कर दिया, ठीक है, ये माइनस का ट्रांजेक्शन। पर स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। अब क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हमारे 3000 के थे, हमने पेड कर दिया 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज हमने पेड कर दिया, तो हमारा बैलेंस ही तो होगा, ठीक है, हम दोबारा थोड़ी देंगे उसे, जब 3000 तो 3000 ही देंगे, तो हमने यहाँ 1000 उसे दे दिया है, तो 1000 हम माइनस कर देंगे, ठीक है, और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ हमने 1000 माइनस क्यों करा, क्योंकि हमने उसे पेड कर दिया है, 3000 उसे 1000 पेड कर दिया हमने उसे। ओके, समझ रहे होगे। अब विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 7000 रुपीज। अब 7000 रुपीज का हमने पर्सनल यूज करा है, आपको मैंने पढ़ाया था ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होता है कि जो पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉ करते हैं कैश अपने बिजनेस से, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, हमारा कैश कम हो गया, ठीक है, तो कैश हमारा कितना है 7000 रुपीज, हमारे बिजनेस में से कम हो गया 7000 रुपीज का कैश, प्लस स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, क्रेडिटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, बट हमारे कैपिटल में इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जो हम कैश लेके आए थे, जो हम कैश लेके जा रहे हैं ड्रॉइंग के रूप में, वो हम कैपिटल से ही लेंगे, तो 7000 का हमारा कैपिटल का माइनस रहेगा। तो हमने यह माइनस कर दिया, समझ गए होंगे आप, तो अब हम इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, जो ये ब्रैकेट का आइटम है ये सब माइनस का आइटम है, 50000 में से आपको 28000 माइनस करने 50000 में से, तो आपका कितना आएगा 22000 आएगा, प्लस आपका स्टॉक है 3000 रुपीज का, आपका फर्नीचर कुछ नहीं है, डेटास कुछ नहीं है, तो हमने इसे जोड़ा नहीं है। ओके, अब क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को 3000 रुपीज के क्रेडिटर्स थे, पर हमने 1000 के पेड कर दिए, तो हमारा कितना बचा 2000 रुपीज बचा, प्लस हमारे कैपिटल कितनी बची है, देखो 50000 हमारे पास कैपिटल थी जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा था,
और 20 ये है माइनस करा, 27,000 ये माइनस करा है, तो 27,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 23,000 हमारे पास कैपिटल बच जाएगी। अब देखो, अब ये हमारा इक्वल होना चाहिए हमेशा, पढ़ा ही आपने एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब जो ये एसेट्स है हमारे क्या है, कैश का, कैश के कितना हो जाए 22,000। ये देखो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी हमने शो कर रखी है, तो कैश हमारे पास कितना है 22,000 का है। फर्नीचर हमारे पास है नहीं, बैंक है नहीं, डेटर्स भी नहीं बचा हमारे पास, स्टॉक हमारे पास बचा है 3,000 रुपीज का, तो स्टॉक हम लिख देंगे 3,000 रुपीज। तो कितना है टोटल 25,000 है। अब क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हमारा किधर आता है, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स हमारा कितना है 2,000 रुपीज, तो क्रेडिटर्स में लिख देंगे 2,000 रुपीज। ओके, अब कैपिटल, कैपिटल कितना बचा है हमारा 23,000 बचा है, तो कैपिटल लिख देंगे हम 23,000 लिख देंगे। अब हमें ये इक्वल करना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट हमेशा इक्वल रहती है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का इक्वल रहेगा। अगर यहाँ 25,000 आया तो यहाँ भी 25,000 आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो आपका आपका आंसर, आपका सोल्यूशन कहीं ना कहीं गलत है, आप उसे चेक करिए। तो यहाँ देखो 23,000 और 25,000 आ गया, ठीक है, ये हमारा इक्वल हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।